Subscribe to the channel by pressing the red button and do not forget to press the bell. Hello guys, आप सभी का SKY 6th to 10th NCERT मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम क्लास 7 का एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं, ठीक है। जिस फर्स्ट में दिया हुआ है, निम्नलिखित के बीच की सही पूर्णांक लिखना है, ठीक है। निम्नलिखित के बीच की सही पूर्णांक लिखना, तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं, दिया हुआ है -5 और 5, यानी -5 और 5 के बीच। तो सबसे पहले आप यह जानिए कि पूर्णांक होता क्या है। पूर्णांक जो है प्लस से चालू होगा और माइनस तक आपका जाता है, यानी कि 0 से ऊपर भी अगर जाते हैं तो भी आपका पूर्णांक, और 0 से नीचे जाते हैं तब भी आपका पूर्णांक। पूर्णांक जो है दो होते हैं, पहला ऋण पूर्णांक, दूसरा धन पूर्णांक। ऋण पूर्णांक में हमेशा माइनस होते हैं और धन पूर्णांक में हमेशा प्लस होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको एक संख्या रेखा के हिसाब से दिखा सकते हैं, जैसे संख्या रेखा हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 0 डाल दिए, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके डैश डैश करके हम इसको इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यह जो होता है माइनस में होता है, ठीक है। तो माइनस जो संख्या वो ऋण पूर्णांक हुआ, ठीक है, और ये प्लस संख्या आपका धन पूर्णांक हुआ, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक किसे कहता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ये देखते हैं, -5 और 5। तो -5 और 5 के बीच, तो देखिए यहाँ पे -5 अगर यहाँ पे हम डालते हैं तो इसके और इसके बीच हमको संख्या निकालना है, तो हम इधर से जाएंगे, इस साइड से जाते जाएंगे तब ना होगा जी। तो यहाँ पे हो जाएगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 and 4, यह आपका आंसर होगा। सेम उसी तरह आप इसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है। -2 और 8 के बीच की जो सभी पूर्णांक है सभी को लिखना है, तो -1 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी में भी वही चीज़ दिया हुआ है कि -6 और -2 के बीच। अब देखिए -6 और -2 के बीच लिखना है हमको, चलिए तो इसको हम लिखते हैं। तो क्या होगा, -5, ठीक है, -2 है, -5 -4 -3, यहाँ पर -2 दिया हुआ है, तो यह हमारा बीच का संख्या 3 हो गया, ठीक है। फिर डी का जो दिया हुआ है यहाँ पे उसको देखते हैं, फिर -4 और -10 के बीच कहा जा रहा है, तो -4 और -10 के बीच अगर हम कहता है तो क्या होगा, -5 -6 -7 -8 -9, तब ना -10 होगा, तो ये हमारे बीच का पूर्णांक हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस पर घेरा हमको लगाना है, क्या लगाना है, घेरा लगाना है, कौन सी पूर्णांक बड़ी है, कौन सी पूर्णांक वाली संख्या जो है छोटी है। तो यहाँ पे देखिए -20 है और यहाँ पे 4 है, तो कितने बच्चे सोचते हैं क्या कि जो बड़ी संख्या है माइनस में है वही बड़ी है, नहीं, जो माइनस में रहती है संख्या और एक प्लस में रहती है तो प्लस वाली हमेशा बड़ी होती है और माइनस वाली छोटी होती है। तो आपको प्रत्येक पर बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाना है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए -15 है और -18 है। अब इसमें जो है हम तो सोचते हैं कि नहीं, अरे तो -15 दिया हुआ है और -18 दिया हुआ है, तो यहाँ पर -15 जो है हमारा संख्या बड़ा है और -8 जो है छोटा है, क्योंकि यह दोनों में माइनस लगा हुआ है, मगर ऐसी नहीं है, यह गलत है। सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति के पास 15 रुपया कर्जा है और किसी व्यक्ति के पास 8 रुपया कर्ज है, तो बताइए उस दोनों व्यक्ति में कौन बड़ा होगा, तो जिसके पास कम कर्ज होगा वही ना बड़ा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, -8 जो है संख्या बड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए किसी व्यक्ति के पास -5 रुपया कर्ज है या किसी के पास 1 भी रुपया कर्ज नहीं है, ठीक है, तो आपका 0 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा,
ठीक है। फिर यहाँ पे वैसे दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति के पास 20 रुपया है और दूसरे व्यक्ति के पास -7 रुपया कर्ज है। तो इसमें देखिए, जो जिसके पास कम कर्ज होगा वह व्यक्ति थोड़ा क्या होगा, हल्का अमीर होगा, यानी कि वो उससे ज़्यादा कर्ज नहीं लिया है। तो ज़्यादा कर्ज कौन लिया है, यह तो यह छोटा हुआ, कम कर्ज लिया है -7 तो यह बड़ा हुआ, तो इसलिए इसको हम घेरा डाल देते हैं। यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, तो यह प्लस वाला आपका हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। एफ में देखिए -20 है, -18 है, तो इसमें -18 आपका क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।